कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है कि कहीं पुलिस कोई कैंपस के अंदर गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस जो है कैंपस के बाहर ही रही और लड़कों ने शांतिपूर्वक आके जो है अपना ज्ञापन दिया। इनको जिलाधिकारी महोदय स्वयं ज्ञापन लिया आकर, और इसमें जो है कोई भी फोर्स का यूज़ नहीं किया गया है। इतना चाहते हैं कि जो कैब आपने जिस तरीके से यहाँ पे इम्पोज किया है पूरे देश के अंदर, तो उसको आप संवैधानिक तरीके से नहीं है, पूरा असंवैधानिक है। तो उसको अगर आपने करना है तो लीगली वे में संवैधानिक रूप से किया जाए, वरना उसको वापस ले लिया जाए। इसका पता ही नहीं है कि वो मतलब कलम क्या होती है, रजिस्ट्री क्या होता है, तो वो अपनी जो पहचान है वो कैसे साबित करता है। बीजेपी जब से आई 2014 में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जो कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरह टारगेटेड थे, लेकिन और हर बार बीजेपी ये कहती है कि कोई फिक्र नहीं किसी। आपने किन देशों को इंक्लूड किया? आपने बाकी नेबरिंग कंट्रीज को क्यों नहीं इंक्लूड किया? आपने मुस्लिम्स को ही क्यों एक्सक्लूड किया? हमें इस बात को जानना। आपने 6 को इंक्लूड कर लिया, आपने मुस्लिम्स को ही क्यों किया? ये तो आप साफ टारगेटिंग कर रहे हैं। आप चाहे कितना भी हमें आश्वासन दे दें। जो सीएपी के कुछ कॉम्पोनेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर इसमें बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इट इज़ ओनली दैट कॉम्पोनेंट विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। गैर संवैधानिक अगर प्रत्यक्ष रूप से ना भी दिखे तो उसकी अगर नियत गैर संवैधानिक है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। हमने बताया कि विद इन डेमोक्रेटिक पेरिफ्री आप चीज़ों को एड्रेस करें, ओके, वो आपका लेजिटिमेट राइट अगर है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए और जो तय हुआ उसके हिसाब से उनको ज्ञापन दिया गया।